मैं अपने मालिक के बच्चे का दूध पिलाने का काम करती थी। इसके बदले मुझे 40,000 रुपए महीने मिलते थे। मेरा मालिक दिखने में बहुत खूबसूरत था। एक दिन वह मेरे कमरे में आया और बोला कि आज मुझे पीनों को दोगी, मैं तुम्हें 3,00,000 रुपए दूंगा। ये सुनते ही मैंने तुरंत लाइट ऑफ कर दी और फिर रात भर जो। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए किसी बहुमूल्य रत्न से कम नहीं है। मैं जब भी मालिक के बच्चे को दूध पिलाती, वह सर के ऊपर आके खड़ा हो जाता। मुझको शर्म तो आती थी, लेकिन मैं मालिक से कुछ नहीं कहती, क्योंकि मुझे 40,000 रुपये महीने तनख्वाह मिलती थी और मैं अपना 40,000 रुपया गंवाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। लेकिन एक रात मालिक का बच्चा बुखार से बहुत तपने लगा था। मालिक ने उसे दवाई दी और मुझसे कहा कि तुम आज रात यहीं रुक जाओ। लेकिन उस रात मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जो मालिक ने मेरे साथ, मेरे पति की तनख्वाह बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से हमारा गुजारा होता था और उस पर से मेरा एक छोटा बच्चा भी था, जिसे मैं छोड़कर काम पे जाती थी। एक बार मेरे पड़ोसी ने ऐसी बात कही कि मैं सोच में पड़ गई थी और मुझे लगा कि मेरे पति इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देंगे। वह कहने लगे कि एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो किसी के बच्चे की माँ बन सके। वे पड़ोसन कहने लगी कि वह बहुत अमीर आदमी है और उन्हें अपने बच्चे से बहुत प्रेम है और इसके लिए तुम्हें वह अच्छी खासी तनख्वाह भी देगा। लेकिन मैं कहने लगी कि शायद मेरा पति उसके लिए मुझे अनुमति ना दें। पड़ोसन ने कहा कि एक बार तुम मेरे साथ चलकर मालिक से बात कर लो और पता कर लो कि वो तुम्हें कितने पैसे देंगे। पैसों की बात सुनकर तुम्हारा पति भी इनकार शायद नहीं करेगा, क्योंकि तुम लोगों की पैसों की बहुत आवश्यकता है और तुम्हें अच्छे खासे भोजन भी मिलेंगे, जिससे कि तुम्हारे बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा। ये सुनकर मैं एकदम चुप सी हो गई थी, क्योंकि मेरे पति की बहुत ही कम तनख्वाह थी और मेरा इसमें गुजारा होना बिल्कुल ही नामुमकिन सा था। मैं भी इस बात को सुनकर सोच में पड़ गई और मुझे लगने लगा कि यह बिल्कुल सही कदम है। मेरा बच्चा भी बहुत कमज़ोर हो गया था और मैंने अपने औलाद के कारण ये कदम उठाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में उठाना और उसको अपने बच्चे की तरह शामिल करना, ये बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन अपने बच्चों के कारण मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई और मुझे अपने पड़ोसी की बात अच्छी लग रही थी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को लेकर अपनी पड़ोसी के साथ उस मालिक के बंगले में पहुंच गई। वे बहुत ही अमीर लोग थे। जब मैं घर के अंदर गई तो देखा कि मालकिन टांग पे टांग रख के और सोफे पे आराम से बैठी है और बच्चा बहुत ही ज्यादा रो रहा था और वह एक नौकरानी के गोद में था और उसे पाउडर वाला दूध पिला रही थी और वह बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकिन मुझे बड़े गौर से सर से पांव तक देखा और वे कहने लगी कि ना जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया है। आजकल के लोग तो बच्चे को पाउडर का ही दूध पिलाते हैं और बच्चे अच्छे स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन उन्हें तो। तब मालकिन ने कहा कि अभी मालिक तुम्हारे कमरे से बाहर आएंगे तो उनसे बात कर लो। और ये कहकर वह मालकिन उठकर वहां से चली गई और ड्राइवर से कहने लगी कि मुझे शॉपिंग करने जाना है, तुम गाड़ी को जल्दी बाहर निकालो। मैं इस औरत को देखकर एकदम हैरान रह गई। ये कैसी माँ थी? मैं सोचने लगी ये कोई बीमार औरत है जो मजबूरी की हालत में है, जो अपने बच्चे को उसके हक से बिल्कुल जुदा कर रही है। लेकिन वह बहुत हथी कट्टी और सेहतमंद औरत थी और वह बच्चे को माँ का प्यार बड़े ही आराम से दे सकती थी। लेकिन शायद आजकल की माँ ऐसी ही होती होंगी और अपने बच्चों को नौकरों के रहम करम पर ही पाल कर बड़े कर देती हैं और बच्चों को अपने सीने से लगाने के बजाय नौकरों को हाथ में थमा देती हैं। और इस औरत के पास सब कुछ रहने के बाद भी अपने औलाद को उससे हक से दूर रख रही है। कुछ देर के बाद उस घर के मालिक कमरे से बाहर निकले और मेरी पड़ोसन से पूछने लगा कि क्या यही वह औरत है। मेरी पड़ोसन ने कहा कि जी हाँ, यही वह औरत है। मेरे गोद में पड़े मेरे बेटे को उसने गौर से देखा और मेरी सेहत भी कोई अच्छी नहीं थी, मैं दुबली पतली सी थी। तो वह कहने लगा कि इन्हें तो खुद खुराक की जरूरत है, ये भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती है। मैंने कहा कि रोजी और रोटी तो ऊपर वाले की हाथ में होती है, जिस बच्चे ने भगवान को पैदा किया है वही उसे ताकत भी देगा।
मेरी ये बात सुनकर मेरे मालिक कहने लगे कि मेरा बच्चा तो बहुत बीमार रहने लगा है, क्योंकि उसे तो केवल पाउडर वाला दूध ही पिलाते हैं और उसे वह दूध पचता ही नहीं है, और मेरी पत्नी किसी भी हाल में राजी नहीं है कि वह अपने बच्चे को उसका हक दे, और मैं अपने बेटे के स्वास्थ्य से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तब मैंने कहा कि आप मुझे कितनी पैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप जितना चाहो मैं आपको पैसे दे दूंगा, मुझे पैसे देने में कोई भी इंतराज नहीं है, मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त हो जाना चाहिए। उसने मुझे महीने के 40,000 रुपये देने का वादा किया। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये मेरे जरूरत से बहुत ज़्यादा पैसे थे। और जब ये बात मैंने अपने पति को बताई तो वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, लेकिन कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने मुझे ये काम करने के लिए इजाज़त दे दी। और जब अगले दिन मैं उसके बंगले में गई तो मालिक घर में ही मौजूद थे। उन्होंने अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया, आपको दिन भर अब यहीं रहना पड़ेगा और रात को 8 बजे के बाद आप यहाँ से जा सकती हैं। मैंने अपने बेटे को भी अपने साथ लाया था और उस लड़के को लेकर एक नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। वह कमरा एक बच्चे के लिए ही बना था और वह बच्चा भूख के कारण रोए जा रहा था। मैंने उस बच्चे को अपने गले लगाया और चुप कराया। कुछ देर बाद वह बच्चा सो गया, लेकिन उस बच्चे को गोद में बैठा मेरा बेटा बहुत ही गौर से देख रहा था, क्योंकि उसके हक में मैंने किसी और को भी शामिल कर लिया था और मेरा बेटा बार बार लपक कर मेरी गोद में आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस समय मालिक का बेटा मेरे गोद में था और मैं उसे ही सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अब उस बच्चे को बिस्तर पर सुला दिया। उसके बाद मैंने अपने बेटे को भी सुला दिया, लेकिन मैं ये विचार करने लगी हूँ कि अपने बेटे को कहाँ बेड पर लौटाऊँ, क्योंकि वह तो बेड मालिक का था और वह मालिक के बेटे का था। मैंने अपने बेटे को ज़मीन पर ही सुला दिया, खुद भी उसी के पास बैठ गई। अभी कुछ ही देर बैठे हुए हुआ था, कमरे का दरवाजा खुला और एक नौकरानी कमरे में आई और उसके हाथ में एक दूध का गिलास था, और उसने वह दूध का गिलास मुझे दे दिया और कहने लगी कि इसे तुम पियो, कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल लाकर भी दूंगी और वे फल भी सारे के सारे तुम्हें ही खाने होंगे। ये सब सुनकर मुझे हैरानी हुई और मैं कहने लगी कि ये सब मैं कैसे खाऊंगी। तब उस नौकरानी ने कहा कि ये हमारे मालिक का हुक्म है, वे कह रहे थे कि जब आप अच्छा खाएंगी और अच्छा पिएंगी तभी उनका भी बेटा सेहतमंद और स्वस्थ रहेगा। ये सुनकर मैंने दूध पी लिया। पूरे 1.5 साल के बाद मैंने दूध पिया था, वरना रोज एक घूंट दूध थोड़ी सी पानी में डालकर पतली चाय पीने को ही मिलती थी। साथ ही साथ मेरे आंखों से ना जाने के आंसू भी बह रहे थे। वक्त इंसान को कैसे कैसे नज़ारे दिखाता है। कहां मैं एक रोटी के लिए तरसती थी और आज दुनिया की हर एक चीज़ मेरे सामने रखी हुई है। सिर्फ इस मालिक के बच्चे के कारण 5-6 दिनों में ही मेरे सेहत में फ़र्क आना शुरू हो गया था। लेकिन एक बात जो मैंने महसूस की थी, जब भी मैं अपने मालिक के बच्चे को कमरे में लेके जाती, किसी न किसी बहाने से मालिक भी वहाँ ज़रूर चला आता और मुझे बड़ी ही अजीब सी नज़रों से देखता। मुझे बड़ी ही उलझन महसूस होती थी और मैं फौरन ही उसके बेटे को अपने गोद से उतार देती और वह अपने बेटे के बारे में मुझसे पूछने लगता। मालिक की ये हरकत मुझे बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि क्यों वह बिना इजाज़त के कमरे में चले आते हैं। जब 6-7 दिन यही सिलसिला जारी रहा तो मैंने एक दिन कह दिया, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बार बार आप कमरे में क्यों आते हैं। मेरी ये बात सुनकर उसके माथों पे थोड़ी सिकन आने लगी और कहने लगा कि मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा, जी बताइए। देखिए, मैं जो आपको खाने पीने की जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देता हूँ, ये सिर्फ इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरा बच्चा अच्छा और सेहतमंद हो जाए। मुझे यह वहम रहता है कि आप मेरे बेटे से ज़्यादा अपने बेटे को प्यार करती हैं और उसे आप ज़्यादा अहमियत देती हैं, लेकिन पैसे तो मैं ही खर्च कर रहा हूँ ना, और अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर मेरा दिमाग थोड़ा घूम गया। वह मुझे क्या बेईमान समझता था। मैंने कहा कि मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूँ। मुझे नमक की वफादारी करना अच्छे से आती है। अगर आपको ऐसा शक है तो आप किसी और को रख लीजिए। ये कहने के बाद मैंने अपने बच्चे को गोद में उठाया और बाहर जाने लगी।
वह मुझे पीछे से आवाज लगाता रहा, लेकिन मैंने वहां 2 मिनट भी नहीं रुका और अपने घर वापस चली आई। मैं गरीब जरूर थी लेकिन बगैरत नहीं थी। इतनी सारी बातें सुनने के बाद आखिर मैं वहां क्यों रुकती? मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को दे रही थी। जब तक मैं वहां रहती थी उसके बच्चे को ही संभालती थी और अपने बच्चे को खिलौने देकर बजाती थी। और इसी रात मेरे ऊपर एक मुसीबत टूट गई थी। मेरा पति घर नहीं आया था। रात के 2 बज गए और मैं बहुत परेशान थी। तब एक फ़ोन आया और किसी ने कहा कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है। और जब ये सुनकर अस्पताल पहुंची तो देखा कि मेरे पति की मौत हो चुकी थी। वे बुरी तरह से जख्मी था। और जब डॉक्टर ने आकर मुझे ये बताया कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं ये सुनकर गिर के बेहोश हो गई। कभी अपने कुछ महीने के बच्चे को देखती तो कभी अभी पति के मरे हुए शरीर को। और मैं फूट फूट कर वहाँ पर रोने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूँ। और हमारे घर में लोगों की भीड़ लग गई थी। और सुबह होते ही मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया और वह दिन और रात पूरा रोते रोते ही मैंने गुजार दिया। जबकि मेरे बेटे को इसकी कुछ भनक भी नहीं थी कि उसके पिता की मौत हो चुकी थी। जो भी मेरे को और मेरे बच्चे को देखता हुआ यही कहता कि तुम जवान हो और ये बच्चा आगे की जिंदगी कैसे काटेगा। तुम्हारा पति तो जवानी में ही तुम्हें और इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लोगों के ऐसे व्यवहार मुझे परेशान कर रहे थे। और जब मैं अगले दिन घर के बाहर बैठी थी वहाँ एक गाड़ी आके रुकी। हर लोग आंखें फाड़कर उस बड़ी गाड़ी को देख रहे थे कि हमारे से छोटे मोहल्ले में इतनी बड़ी गाड़ी लेकर कौन आ गया। और जब गाड़ी का दरवाजा खुला तो मालिक उतर कर मेरे पास आए। उन्हें भी एक खबर मिल चुकी थी कि मेरे पति की कल रात मौत हो गई है। मालिक ने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया और वह बताने लगी कि उनका बेटा पहले से भी ज्यादा खराब हालत में रहने लगा है क्योंकि उसे अब मेरी आदत लग चुकी थी और जब मैं वहाँ नहीं थी तो वह कहीं भी ठीक से नहीं रह पा रहा था और सिर्फ रोता ही रहता था। तुम्हारी गोद की उसे आदत हो चुकी है और मैं बस यही कहने आया हूँ कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ। मैं अपने बच्चे को लेकर थोड़ा परेशान हो गया था क्योंकि इस बच्चे की सगी माँ सगी नहीं तो भला मैं किसी मुंह बोली माँ पर एकदम से कैसे विश्वास कर लेता। मालिक भी अपनी जगह ठीक ही थे। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और वहाँ से चले गए। मेरे पति की मौत हो ही चुकी थी और घर के राशन भी अब खत्म होने के थे। और नौकरानी ने भी कई बार फोन करके कहा था कि मालिक का बेटा बहुत ही बीमार है और सिर्फ मेरी ही गोद में उसे सुकून मिल सकता है। आखिर मैं भी एक माँ थी। उसके बाद मैंने मालिक को फोन किया तो उन्होंने गाड़ी विदा करवा दी जिसमें बैठकर मैं मालिक के घर चली गई। मेरी हालत भी बहुत खराब थी लेकिन जैसे ही मैंने अपने मालिक के बच्चे को गोद में उठाया वह एकदम से शांत हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। उससे तो जैसे मेरी आदत हो चुकी थी और हर वक्त मेरे पास ही रहता। ये देखकर मालिक बहुत खुश हुए और फिर एक दिन आकर मेरे पास कहने लगे, तुम अगर ठीक समझो तो यही रहने लगो, मैं तुम्हारे लिए एक क्वार्टर खाली करवा देता हूँ। ऐसे भी तुम्हारा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा तो अच्छा है कि अकेले रहने के बजाय तुम यही रह लिया करो। मालिक की ये बात मुझे बुरी नहीं लगी थी और मालिक का रवैया भी मेरे बेटे के साथ अच्छा रहने लगा था। वे अब उसका भी बहुत ख्याल रखने लगे थे। जो भी चीज़ अपने बेटे के लिए खरीद के लाते वह उसके लिए भी खरीद के लाते थे। जबकि मालकिन का तो कोई पता ही नहीं था कि वह कब आ रही हैं और कब जा रही हैं। मालिक की भी उनकी कोई खबर नहीं रहती थी क्योंकि हर वक्त वह शॉपिंग और अपने दोस्तों के साथ पार्टी में ही रहा करती थी। कई बार तो वह दूसरे देश अपने दोस्तों से मिलने के लिए अकेले ही चली जाया करती थी और उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उनका बच्चा किस हाल में है। मैं अपने पति को याद करके काफ़ी उदास रहने लगी थी और मेरा बेटा भी अपने पिताजी को याद करके रोने लगता था। एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत खराब थी और जब मैं क्वार्टर जाने लगी तो मालिक ने कहा कि तुम आज रात यहीं रुक जाओ, मेरे बेटे के ही कमरे में सो जाना, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। मजबूरन मुझे वहीं रखना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख से उठ गया तो मैं उसे दूध पिलाने लगी मगर
तभी मालिक कमरे में आए और जब कदमों की आहट सुनी तो मैं मालिक को बेटे को अपने से दूर करने लगी। वे सो चुका था और उसकी तबीयत भी कुछ अच्छी हो गई थी। मेरी घबराहट देखकर मालिक मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर जो बोले वह सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मैं मालिक को इस तरह देखकर बहुत घबरा गई थी। मालिक कहने लगे कि देखो, जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहता था जो ना कि दुनियादारी संभाले बल्कि घर भी संभाले और मेरे बच्चों की अच्छे से परवरिश करे। लेकिन मैं जिस औरत से शादी की इसमें ऐसी कोई भी खास बात मौजूद नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ अगर तुम्हारी राय हो तो मैं तुमसे शादी कर लूँ, क्योंकि तुम मेरे बेटे को अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती हो और मेरा बच्चा भी तुमसे एकदम घुल मिल चुका है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इसकी माँ का दर्जा दे दूँ। जब मैंने मालिक की ये बात सुनी तो मेरा चेहरा लाल हो चुका था और मैं कहने लगी कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने पति से ही मोहब्बत है, मैं कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ। अभी तो उनके रूह को सुकून भी नहीं मिला होगा और मैं फौरन अपने वापस क्वार्टर में चली गई। तब मालिक कहने लगे, इस फैसले पर सिर्फ तुम्हारा हक है और तुम जो कहोगी वही करूँगा। मालिक का रवैया मेरे बच्चे के साथ भी बहुत अच्छा था और मेरे बच्चे को भी रईसों वाले ऐशो आराम मिल रहे थे। मैंने बहुत विचार किया और जब मैंने अपने बेटे के भविष्य और मालिक के बेटे के बारे में विचार किया तो मजबूरन मुझे फैसला मानना पड़ा। और जैसे ही मैंने शादी के लिए हाँ की, मालिक ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया। वह यह बात सुनकर चिल्लाने लगी, लेकिन मालिक ने उससे सारे अपने बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड के कागज सब ले लिए थे, क्योंकि वह जो भी ऐश कर रही थी मालिक के पैसों पर ही ऐश कर रही थी। और जब मालिक ने अपने सारे पैसे ले लिए तो वह फिर से कंगाल हो गई और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने ये फैसला करके गलत किया, लेकिन शादी के बाद जैसे मैंने अपने मालिक की मोहब्बत देखी तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। शायद यही मेरे नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था और मालिक के बेटे को एक माँ का प्यार मिल रहा था। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी झोली में फिर से खुशियाँ डाल दी थी और इसे ही अपना नसीब मानकर बड़े ही खुशी के साथ अपना जीवन जी रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।